ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। को अभी भी जीवित है। एक माताजी गीता पाठशाला चलाती है रोज, हर साल मधुबन में आती है। पति उनको सेंटर में छोड़ने आता है, लेने के लिए भी आता है। दो लड़कियां हैं, पति रोज लेने छोड़ने सेंटर में आके छोड़ता है, लेके भी जाता है, लेकिन वो ज्ञान नहीं सुनता है। तो हर साल मधुबन में गीता पाठशाला चलाती है, हर साल आके बोलती है, भाई जी नारायण कभी ज्ञान नहीं सुनता है। हमने कहा को अर्जुन, लक्ष्मी कमाती है, नारायण कहेगा, आपको चिंता क्यों? देखा एक साल के अंदर कैंसर बीमारी होके चली गई। तब पता चला कि पति क्यों नहीं आता था। जैसे माताजी ने शरीर छोड़ा, उन्होंने गांव में कई मकान था वो बेचा, आज भी सेंटर के सामने मकान लिया, आज भी है, और 24 घंटा वो सेवा करता है। कोई भी गाड़ी से, ट्रेन से, प्लेन से आया, उनको लेने जाना, लेने आना, लेके आना, दोनों लड़कियों को समर्पित किया। तो लक्ष्मी आगे गई कि नारायण गया? ज्ञान सुनते हैं लेकिन उसने आचरण में करके दिखाया। तो वो पूछा क्यों नहीं आते थे आप उस समय, तो पता चला कि माताजी सेंटर से ज्ञान सुन के जाती है, बच्चों को मारती है, गुस्सा करती है, हमसे भी लड़ती है। तो ब्रह्मा कुमारी इसमें जाके इनका ही परिवर्तन नहीं हुआ तो मैं क्यों जाऊँ? लेकिन उनको ज्ञान पर विश्वास था, ये ज्ञान बहुत अच्छा है। बच्चे इसको पवाए, माता जी को छोड़ने आता था, लेने आता था, सेवा करता था। जैसे माता जी ने शरीर छोड़ के गई, अभी वह स्वयं पूरा सेवा करता है, दोनों लड़कियों को समर्पित कराया। तो सिर्फ आपके, अगर आप ज्ञान सुन के गए, घर में पति, बच्चे, माताएं, माँ बाप ज्ञान नहीं सुनते हैं, कहेंगे आप क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि हमारा आचरण ठीक नहीं है। अगर आप ज्ञान सुन के गए, आपके पति ने, बच्चों ने, किसी ने कहा मम्मी हमारी तो देवता बन गई, कभी कुछ नहीं बोलती है, पति औरों को कहे हमारी युगल तो लक्ष्मी है, एक शब्द नहीं बोलती है, सब कुछ एक्यूरेट, तो ज्ञान सुनने के लिए नहीं है, ये आचरण में लाओ। अगर यहां जाके हाँ बच्चे पति वो ज्ञान में नहीं चलते, कुछ गलत बोलेंगे, अगर आपने गुस्सा किया तो ब्रह्मा कुमारी में जाके आपने क्या सुना, क्या किया, है ना? बच्चे अगर रोज स्कूल में जाकर के फेल हो गए तो स्कूल में जाके क्या किया? तब कहा पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, पढ़ाई चाहिए।